इस पहाड़ी के अपोजिट साइड एक बीच है जिसे ड्रीम बीच भी कहा जाता है, जिसका मेरे चैनल पर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बीच दिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही फेमस है विदेशी पर्यटकों के साथ साथ इंडियन लोगों में भी। तो यह है नॉर्थ गोवा का फेमस बीच जिसे लिटिल बागाटोर बीच भी कहा जाता है। अब इसे लिटिल बागाटोर बीच क्यों कहा जाता है ये भी बताऊंगा, और लिटिल बागाटोर बीच कहां पर है, लिटिल बागाटोर बीच कैसे जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर बात की जाए रशियन पर्यटकों की तो इस बीच पर रशियन टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और इंडियन टूरिस्ट नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें लिटिल बागाटोर पता ही नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था एक हिल और उसके अपोजिट साइड ड्रीम बीच था, और वहीं पे बागाटोर बीच भी है, आप लोग वहां पर आते हो और वापस रिटर्न हो जाते हो, लेकिन लिटिल बागाटोर बीच नहीं घूमते हो क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है। आप उस साइड से आओगे, उस साइड बागाटोर बीच है, जैसा कि स्टार्टिंग में हिल के उस साइड मैंने बताया था कि ड्रीम बीच है और बागाटोर बीच। अब यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, अब इसके इस साइड भी एक बीच है जो कि ओजरान बीच भी कहा जाता है, बट ये टोटल एक ही बीच है, बीच में थोड़ा सा रॉक है। कुछ लोग ओजरान बीच भी बोल देते हैं और कुछ लोग लिटिल बागाटोर बीच भी बोल देते हैं। तो अभी आगे चल के मैं बताता हूँ। लिटिल बागाटोर बीच भी नॉर्थ गोवा के अंतर्गत ही आता है, और ये फेमस क्यों है, लिटिल बागाटोर बीच क्यों फेमस है, अब मैं आपको बताता हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको गोवा के लेटेस्ट वीडियो जो गोवा से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये है लॉर्ड शिवा का स्टैचू जो इस बीच के कॉर्नर में है, और इसके साथ टॉर्टाइस कछुआ का भी स्टैचू है जो कि सन 1970 में रशियन पर्यटक ने बनवाया था, और इसी को देखने के लिए रशियन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है, और रशियन टूरिस्ट लॉर्ड शिवा की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और पूजा भी करते हैं। इसी कॉर्नर का भी दृश्य मैं दिखाऊंगा साइड टू साइड, आप देखते रहना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको गोवा से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, जैसे कि मसाज कहां पर होती है गोवा में, जैसे कि बीच मसाज करवा रहे हैं, गोवा में फेमस प्लेसेज कहां है, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ गोवा, एंड बेस्ट प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, फेमस प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा टूरिस्ट प्लेसेज, नॉर्थ गोवा विजिटिंग प्लेसेज, तो मेरे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल हैं।